हेलो एवरीवन वेलकम टू जेड के केमिस्ट्री क्लासेस इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री केमिस्ट्री में जो मैथमेटिकल पोर्शन हमारा यूज होता है हम उसके बारे में पढ़ रहे थे इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हमने चार लेक्चर पहले डाल चुके हैं बहुत छोटे छोटे हैं ज़्यादा बड़े नहीं और हम फिफ्थ लेक्चर

हमारे पास क्वेश्चन आता है सर अगर 90 से ज़्यादा हुआ फिर मान लो 120 हो गया 150 हो गया है तब उस केस में हम क्या करेंगे उस केस में हम अगर एंगल्स हम निकाल जो एंगल्स दे रखे हैं अगर इन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं वो चीज़ें क्या सीखनी है वो समझ लीजिए यहाँ देखो ये सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में यूज होती हैं फिजिक्स में भी यूज होती है और स्पेशली बीएससी फर्स्ट सेम में इसकी एक अलग यूनिट भी दे रखी है जिसका नाम मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री है वहां भी यूज होता है बाकी अदर चाहे नीट हो चाहे जेम एंस हो वहां पर भी उसका बेसिक्स पढ़ते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले तो इसलिए हमने भी इस इसीलिए हमने पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट की है चले में काम करते हैं जैसे मान लीजिए मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन वन ट्वेंटी की वैल्यू तो मैं कैसे निकालूंगा सर इसको निकालने से पहले आपको तीन कंडीशंस हैं मतलब तीन आपको स्टेप्स हैं जो करने पड़ेंगे तीन स्टेप्स में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ और इन तीनों में से अगर एक भी छोड़ा तो आपकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा पॉसिबल है तो हम देखेंगे उसको नाइन्टी के मल्टीपल में तो, तोड़ना है। 90 का मल्टीपल मतलब क्या होता है सर 90 का मल्टीपल जैसे 120 बोल दिया मैंने अब इसको 90 के मल्टीपल में जैसे अगर मैं 90 का मल्टीप्लाई करूं 1 से तो नाइन्टी होगा प्लस अगर मैं कर दूं थर्टी तो कितना हो गया वन ट्वेंटी हो जाएगा सर नब्बे नब्बे और नब्बे और तीस कितने एक सौ बीस जाएगा तो इस तरह से मैं वन ट्वेंटी को ब्रेक कर सकता हूँ या फिर मेरे पास एक और तरीका है क्या है अगर मैं नाइन्टी को टू से मल्टीप्लाई करूँ अब अगर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 180 180 हो जाएगा मेरे को चाहिए कितना 120 तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस करने पड़ेगा 60 तब भी मेरा कितना हो जाएगा 120 सर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको जितनी भी वैल्यूज हैं जितनी भी एंगल्स हैं आपको 90 तक के पता है आपको 90 तक ही याद रखने उसके आगे के हम इस तरह से निकालेंगे हमें करना क्या है जो भी आपका एंगल दे रखा है उसको सबसे पहले 90 के मल्टीपल में तोड़ लीजिए जिसको हमने लिख रखा है क्या नाइन्टी इंटू एन यानी नाइनटी को एन से मल्टीप्लाई करना है एन कोई भी नंबर हो, 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 हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है मोस्टली आपको थ्री तक जाना है उससे ज्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है ठीक है प्लस माइनस थीटा भाई हम कहीं कही ना कहीं एंगल को जोड़ भी सकते हैं अगर हमारा कम बैठ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद तो जोड़ दीजिए और ज्यादा हो गया तो उसमें से माइनस कर दीजिए तो ये हमारे दो कंडीशन हो सकते हैं इसलिए मैंने इसको लिख दिया क्या 90 इंटू एन प्लस या माइनस थीटा तो पहले आपको करना क्या है जो भी एंगल दे रखा है उसको नाइनटी इंटू थीटा की टर्म में तोड़ लेना सर तो पहला स्टेप हो जैसे जैसे यहाँ से हम साथ के साथ एक एग्जाम्पल करते रहते हैं करते चलते हैं इसमें साथ में जैसे मेरे पास में दे रखा है ये एग्जाम्पल और इसमें क्या है मेरा साइन 120 दे रखा है तो इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ पहली तरह से लिख सकता हूँ कि साइन 120 की जगह लिख सकता हूँ सर 90 इंटू वन प्लस ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ना 90 इंटू वन प्लस थर्टी नब्बे का मल्टीप्लाई वन से करेंगे 90 आएगा प्लस थर्टी करेंगे 120 आ जाएगा तो साइन वन ट्वेंटी को मैं साइन नाइनटी इंटू वन प्लस थर्टी भी लिख सकता हूँ सर एक और तरीका है मेरा लिखने का क्या तरीका है मैं इसको भी लिख सकता हूं साइन 90 इंटू टू अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 हो जाएगा मेरे को 120 चाहिए तो मैं क्या करूंगा 60 माइनस कर दूंगा अच्छा दो तरह से लिख सकता हूं इतना तो लिख लिया इसके बाद करना क्या है इसके बाद दूसरी स्टेप आती है और दूसरे स्टेप में जो दूसरी स्टेप है वो डिसाइड करता है सर जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है जैसे 90 इंटू यहां पर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया वन से यहां पर किससे किया है टू से तो ये जो, जो एन है ये डिसाइड करता है कि यहां पर आपका अगला फंक्शन क्या है फंक्शन मतलब क्या है सर समझ में नहीं आ रहा बस दो मिनट रुक जाओ फिर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी देखो अगर आपका एन है एन जो है अगर वो या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है जैसे मान लीजिए आ आ गया 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 तो गया सा। गया, गया, गया। तो ऑड हो 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 विषम संख्या संख्या सम मतलब इवन कुल मिलाकर ज्यादा आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वन टू थ्री फोर में ही खेलोगे बस ठीक है तो अगर ऑड आ गया तो क्या करना है और इवन आ गया तो क्या करना है तो बहुत सिंपल सी कहानी है सर क्या सिंपल सी कहानी है इवन है तो बहुत आसान है साइन का साइन रहेगा का रहेगा टेन का टेन cot का cot रहेगा सैक का सैक रहेगा और यानी का cosec रहेगा। सर एक सिंपल सी चीज मैंने ये जान ली क्या अगर हमने जो नाइन के मल्टीपल में जो भी एंगल को हम लिखते हैं अगर वो एंगल में जिससे मल्टीप्लाई करना, यानी एन जो भी है वो अगर इवन हुआ तो हमें फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना फंक्शन का मतलब क्या है जैसे ये साइन है तो यहाँ पर जो है साइन नाइनटी इंटू वन क्या है मैंने अभी किसकी बात की है इवन की तो जैसे यहाँ पर टू है ये इवन है तो अब करना क्या है इसमें जो फंक्शन है वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहना साइन है तो साइन रहेगा कौश है तो कौस रहेगा टेन है तो टेन रहेगा अभी मतलब समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तब चीजें सारी समझ लेंगे बस एक बार इन तीनों रूल्स को समझ लो ढंग से दूसरा हमारा इसमें क्या कहता है कि अगर हमारा एन क्या है ऑड है तब क्या करना चाहिए सर तब आपको फंक्शन इंटरचेंज करने पड़ेंगे इंटरचेंज का मतलब क्या है अगर आपके पास साइन है तो साइन को आप चेंज करोगे कोस में अगर टेन है तो टेन को आप चेंज करोगे कॉर्ट में और अगर कोशेक है तो कोशेक को आप चेंज करोगे में कर बस इतना है अच्छा चेंज नहीं इंटरकनवर्टेबल होते हैं हमारे मतलब इंटरकन्वर्टेबल का मतलब साइन अगर साइन है तो वो कॉस में चेंज होगा साइन कोस में तो कॉस हमारा साइन में टेन कोट में तो कोट हमारा टेन में और ये हमारा क्या है हम बात करेंगे कोशेक हमारा सेक में होगा तो सेक हमारा कोशेक में कहने का मतलब अगर आपको फंक्शन पहले से साइन दे रखा है तो साइन हमारा कोस में चेंज हो जाएगा कोश है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा टेन कोट में कोट टेन में सेक कोसेक में और कोसेक सेक में तो इन चीजों को दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा क्या ध्यान रखना है सर अगर एंगल है पहले नंबर का रूल हमारा ये था कि जो भी एंगल है उसको हमें 90 के मल्टीपल में लेके जाना है 19 इंटू वन या 19 इंटू टू या 19 इंटू थ्री प्लस माना जो भी एंगल हो रहा कर दीजिए पहला काम खत्म दूसरा काम क्या करना है अगर जो भी एन से आपने मल्टीप्लाई किया है वो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा दो ही पॉसिबिलिटी है अगर इवन हुआ तो जो फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा रहेगा अगर वो हुआ हमारा क्या ऑड तो फंक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा इंटरचेंज करना पड़ेगा और वो चेंज क्या करना है सर अगर हमारा साइन है तो कोर्स में चेंज होगा टेन है तो कोर्ट में होगा को है तो सेक में होगा बाकी वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट यानी कि उल्टा हो जाएगा उसके बाद उन के बाद हमें क्या लिखना है थीटा, यानी, sin थीटा, थीटा में, थीटा, 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 थीटा। यानी में, सर मैंने वन ट्वेंटी को पहले पहले रूल के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह से तोड़ लिया ठीक है दूसरे रूल के अकॉर्डिंग मैंने एन को देखा सर एन इसमें ये है और ये एन वन है वन मतलब है इस वाले केस में टू मतलब क्या हो गया टू मतलब सर इवन हो गया टू मतलब क्या हो गया इवन हो गया ठीक है सर यहां पर मेरा इवन है हमने कहा अगर ऑड है तो ऑड है तो वहां पर फंक्शन चेंज करना पड़ेगा यहां पर देखिए फंक्शन क्या है तो साइन है तो साइन है तो साइन को सर हमें चेंज करना पड़ेगा किस में चेंज करेंगे बात आती है किस में चेंज करेंगे साइन में चेंज होगा कॉस में तो यहां पर आ जाएगा कॉस ये आपको करना है ठीक है उसके बाद जो थीटा होता है वो लिख दीजिए थीटा क्या है थीटा है थर्टी तो हमें क्या लिखना है यहां पर इतना काम कर लेंगे सर यहां पर हो जाएगा हमारा थर्टी क्या हो जाएगा हमारा सिमिलरली अगर इसमें करना चाहेंगे तो क्या होगा सर यहां पर है साइन नाइनटी इंटू टू माइनस सिक्सटी यही तो है तो इवन आ गए इवन तो सर फिर साइन सेम रहेगा वो सॉरी फंक्शन से सेम रहेगा साइन है तो साइन रहेगा और थीटा क्या हमारा सिक्सटी तो हमें क्या करना है साइन सिक्सटी इतना हमें काम कर लेना है अब इसके बाद तीसरा और लास्ट रूल तीन रूल है हमारे 90 के मल्टीपल में, में दूसरा फंक्शन चेंज करना है या नहीं करना है वो हमें एन बताएगा तीसरा नाइन अब हमें बताता है कि साइन प्लस जो वैल्यू हमारे आने वाली जो आंसर आने वाला है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा ये किस चीज पर डिपेंड करता है सर ये करता है हमारे कोआर्डिनेट्स पर डिपेंड मतलब क्या करना चाह रहे हो सर पहला वाला रूल मैंने समझ लिया था 19 टू एन प्लस माने शीटा करना ठीक है।, है उसके बाद एन जो है वो डिसाइड करना है ऑड है या इवन है अगर ऑड है तो वहां पर क्या करना है आपको जो भी फंक्शंस है फंक्शंस इंटरचेंज करने हैं क्या करने हैं आपको फंक्शन इंटरचेंज ठीक है साइन का cos tan का cot cosec का sec इधर अगर इवन है तो फंक्शन रिमेन सेम फंक्शन रिमेंस सेम मतलब आपके जो फंक्शन है वो क्या रहेंगे आपके सेम रहेंगे ठीक है सर अब आती है लास्ट साइन यानी प्लस है या माइनस है वो क्या करना है ये डिपेंड करेगा हमारे एंगल पर किस पर डिपेंड करेगा एंगल जैसे एंगल जो आपको दे रखा था ना पिछले क्वेश्चन में कितना है 120 इस पर डिपेंड करेगा सर एंगल क्या है आपका एंगल आपका जीरो से नाइन्टी हो सकता है देखिए इस तरह से हमने एक एंगल बना रखा है जीरो से ये जीरो से पता होगा ज्यादा हमें कोई जाननी नहीं <coughs> सॉरी ये हमारे फोर क्वारेंट है इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसे सेकंड बोलते हैं इसे थर्ड बोलते हैं इसे फोर्थ बोलते हैं तो वही मैंने आपको दिखाया जीरो से नाइनटी हमारे क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट

जितने भी फंक्शंस हैं ऑल फंक्शन हमारे क्या रहेंगे पॉजिटिव फर्स्ट क्वार में यानी जीरो से लेकर नाइन्टी तक सारे के सारे जितने भी फंक्शन है चाहे वो साइन uh, हो टैन हो कॉट हो, हो, हो कुछ भी हो सारे के सारे फंक्शन हमारे क्या रहेंगे ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमने देखा भी था जितने भी फंक्शन हमारे थे uh, 90 तक के वो सारे पॉजिटिव थे ठीक है ना इसके बाद हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं यानी 90 से आगे एंगल्स में जाते हैं तो यहां पर केवल दो ही दो ही ऐसे एंगल हैं जो हमारे फंक्शन है जो हमारे पॉजिटिव रहेंगे बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव वो कौन कौन से हैं एक और होगा हमारा कौन साइन थीटा और दूसरा होगा हमारा कौशा थीटा ये दो फंक्शन हमारे क्या रहेंगे पॉजिटिव बाकी अदर क्या रहेंगे नेगेटिव अदर्स क्या रहेंगे हमारे नेगेटिव मतलब क्या है सर अभी बता देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे यहाँ भी दो फंक्शन कौन कौन से टेन थीटा और थीटा। ये दोनों क्या रहेंगे हमारे पॉजिटिव ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव बाकी अदर बचे हुए जितने भी सब क्या होंगे हमारे निगेटिव जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे यहां पर भी हमारे कौन से? थीटा और हमारा थीटा ये दोनों हमारे क्या रहेंगे पॉजिटिव बाकी अदर हमारे क्या रहेंगे नेगेटिव ये रहेंगे हमारे. सर इनको कैसे याद रखा जाए एक को याद कर लीजिए बाकी आराम से हो जाएगा इसको मैंने इसको उल्टा लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे इसलिए ऐसे लिख देता हूं कॉस्टीठा पर्यावरण मैं कर देता हूं है पॉजिटिव रहेंगे बाकी ये दोनों बाकी अदर्स क्या रहेंगे हमारे नेगेटिव अब इनको याद करने के लिए मैंने इधर एक ट्रिक बना रखी है, क्या बना है? सारे जाएंगे, या कॉलेज आते हैं है ना ऑल स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज इसका मतलब क्या है सर मैं कहना क्या चाहता हूं यहां से तो देखो कहने के लिए ये सर ये जो पहली चीज है यहां पर मैंने जो बना रखी है ऑल ये दिखाएगी आपको फर्स्ट क्वार स्टूडेंट आपको बता रहा है सेकेंड क्वार टू आपको बता रहा है थर्ड क्वार और कॉलेज आपको बता रहा है फोर्थ क्वार मतलब फर्स्ट में सारे पॉजिटिव क्या है फर्स्ट में मतलब ऑल ऑल पॉजिटिव सेकेंड में स्टूडेंट स्टूडेंट का मतलब साइन आप स्टूडेंट से क्या याद रखेंगे साइन सर साइन पॉजिटिव ठीक है साइन पॉजिटिव है सेकेंड वाले में ठीक है थर्ड वाले में टू टू मतलब टेन टेन पॉजिटिव

यानी ये दोनों जो है साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं हमारे किसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना टेन दोनों पॉजिटिव होते हैं हमारे थर्ड में और हमारे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं हमारे किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में सर यही है देखना एक बार साइन कोशेक साइन कोशेक है पॉजिटिव सेकेंड में इधर देखो टेन कोट टेन कोट टेन कोट है पॉजिटिव थर्ड में इधर देखिए <coughs> है फोर्थ में और कॉस और सेक किस में हमारे फोर्थ में पॉजिटिव है सर इतनी बात मेरे को समझ में आ गई अब अगर आ गई है तो आप इसको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं बाकी हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे हमें तीन रूल समझ में आ गए सर एक बार फिर से रिवाइज करो रूल्स को ताकि हम आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो पहला रूल ये था कि जो भी एंगल हमें दे रखा हो उसको मैं नाइनटी के मल्टीपल में लेके जा रहा है नाइन्टी इंटू एन प्लस माइनस कर देना ठीक है सर अब जो एन है वो डिसाइड करेगा आपका फंक्शन क्या रहेगा अगर एन इवन है तो फंक्शन जैसा वैसा का वैसा लिख दीजिए अगर एन हमारा ऑड है तो आपको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा साइन कॉस के बीच में इंटरचेंज इंटर, इंटर होता है और टेन कॉट के बीच में इंटरचेंज होता है कोसेक सेक के बीच में इंटरचेंज होता है ठीक है अब उसके बाद थर्ड हमारा साइन हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है इस चीज का कौन डिसाइड करता है इस चीज का डिसाइड करेगा हमारा एंगल <laughs> और फंक्शन एंगल और फंक्शन दोनों चीज एंगल कैसे डिसाइड करेगा एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है अगर फर्स्ट में, तो में आ रहा है तो सारे पॉजिटिव सेकंड में आ रहा है तो साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है सॉरी सेकंड में आ रहा था ठीक थर्ड में आ रहा तो टेन कॉट पॉजिटिव रहेंगे और अगर फोर्थ में आ रहा है तो कॉस पॉजिटिव रहेंगे इस चीज के लिए हमने ये देख लिया अब हम आंसर्स करने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले तो यही वाला क्वेश्चन वाल सोल्व करते हैं अभी अधूरा है हमारा हमने पूरा किया नहीं है साइन वन ट्वेंटी सर कैसे करेंगे वन ट्वेंटी को मैंने एक बार देखा नाइनटी इंटू वन प्लस थर्टी कर दिया कर दिया उसके बाद में क्योंकि ये और था इसलिए मैंने साइन को किसमें चेंज कर दिया साइन को कॉस्ट में चेंज कर दिया कर ठीक है कॉस्ट थर्टी हो गया अभी क्या करना है साइन लगाना है साइन किस चीज पर करेगा इसमें वन ट्वेंटी देखो वन ट्वेंटी किसमें आ रहा है वन ट्वेंटी आ रहा है सर क्वाड्रेंट में भाई सेकंड में ही तो आएगा है 120 ट्वेंटी नब्बे से 120 सौ बीस है तो सेकंड में ही तो आएगा सेकंड का मतलब सर दो चीजें पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है अब देखिए इधर <coughs> यहाँ कौन है साइन है साइन है. है तो इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता है ये हम लास्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके थे हैं की वैल्यू कितनी थी हमने पढ़ी थी सर जो हमारा की वैल्यू वैल्यूनी थी रूट थ्री बाई टू बिल्कुल तो यहां सीधा -सीधा पर सर कॉस थर्टी की वैल्यू जो होगी हमारी वो कितनी होगी <coughs> रूट थ्री बाई टू ये आंसर आएगा सर दूसरे वाले अगर मेथड से आप निकालोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा यहां से हमने देखा सर साइन है सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है पॉजिटिव ही रहेगा और साइंस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है साइंस सिक्सटी की वैल्यू सर रूट थ्री बाई टू की होती है चाहे आप इस मेथड से निकालो चाहे दूसरे वाले मेथड से निकालो आपका आंसर क्या रहेगा सेम ही आएगा तो मुझे लगता है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया तो अभी हम कंटिन्यू एक दो क्वेश्चन करते हैं आपको चीजें समझ में आ जाएंगी चलिए हमारे पास में ये क्वेश्चन हम लेके आए दो <coughs> मेरे पास में कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा चलिए मैं कॉस को लिखने की कोशिश करता हूँ कैसे लिखूंगा सर तोड़ो नाइनटी के मल्टीपल में मैं तोड़ूंगा सर नाइन्टी इंटू वन करता हूं <coughs> तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा सर फोर्टी फाइव डिग्री करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा वैसे नाइन्टी इंटू वन प्लस फोर्टी फाइव नाइन्टी में फोर्टी फाइव जोड़ दूंगा वन थर्टी फाइव आ जाएगा इसका मतलब क्या है अब देखो कॉस है पहले तो हमने नाइन्टी के मल्टीपल में तोड़ लिया तोड़ लिया अब देखो ये इवन है या ऑड है और है, और है तो क्या होगा हमारा इंटर कन्वर्ट होता है सर कन्वर्जन होना ही होना है कन्वर्जन होगा तो हमारा cos का किस जाता है? cos sin में sin cos में सो ये चेंज हो जाएगा हमारा sin sin थीटा मतलब sin 45 डिग्री अब पहले क्या देखना है हमें हमको देखना है sin sin मतलब तीसरी चीज हमने बताई थी कौन से में आ रहा 135 सर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 135 है 180 तक आते हैं सेकंड में 135 है सेकंड में आएगा सेकंड में हमारा सेक साइन को कोसेक तो होता नहीं इसलिए क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव क्योंकि यहां पर कौन है सेकंड में, में तो नेगेटिव रहेगा इसलिए नेगेटिव लिख दिया अब साइन फोर्टी की वैल्यू तो पता है ना आपको कितनी होती है साइन फोर्टी की सर साइन फोर्टी फाइव की होती है थी, minus लगा, minus लगा थी, ये हो गया आंसर इसका आपका कॉस वन थर्टी फाइव का हो गया माइनस वन अपॉन रूट टू चलिए एक तरीके से और करके दिखाना सर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं? मैं इसको इसको ऐसे ऐसे लिख तो लिख सकता सकता कैसे कितना तो यहां पर क्या है? Even है? Even है तो कौस का कौस रहेगा भाई वाले में हम फंक्शन चेंज नहीं करते हमने देखा था कॉस रहेगा कॉस थीटा कितना हो कॉस फोर्टी फाइव हो गया और हमारा ही क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस हमारा किस में होगा नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव होता है नेगेटिव वन अपॉन रूट टू वही वैल्यू आ गई तो कोई चेंज हुआ नहीं हुआ चलिए <coughs> <coughs> सॉरी आज थोड़ा सा गला खराब है कोई नहीं चलेगा वन डिग्री में हमें कैसे करना है सर हमें दो तरीके से हमें पता है पहले तरीके से मैं कर रहा से आप खुद करके देखेंटी इन सिक्सटी करना पड़ेगा नब्बे साठ एक सौ पचास सिक्सटी कर दी अब देखो क्या है ऑड है? है, है तो चेंज करना पड़ेगा टेन में चेंज होता है में? तो कॉट सिक्सटी हो जाएगा डिग्री हो गया अब एक चीज देखो कॉट सिक्सटी होगा प्लस आएगा माइनस सेकंड है सेकंड में तो सर दो ही चीज हमने पढ़ा सेकंड में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है ये तो टेन है 10 है तो माइनस हो जाएगा और कॉट सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है हमारी कॉट सिक्स की वैल्यू हो जाती है हमारी कितनी और माइनस है तो माइनस लग जाएगा देखिए इतनी है या नहीं आपको ये टेबल तो पता होनी चाहिए क्योंकि इसको हमने लास्ट वाले लेक्चर में देख लिया था कॉट सिक्सटी सिक्सटी डिग्री कॉट सिक्सटी कितना वन अफॉर रूट थ्री ओके ठीक है सर वन अपॉन रूट थ्री यानी कि माइनस वन अपॉन रूट थ्री इसका वैल्यू आ गया अब आप साइन वन फिफ्टी करोगे आप कैसे करोगे टेन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो सॉरी टेन फिफ्टी टू टू माइनस कितना करना पड़ेगा आपको थर्टी थर्टी करेंगे तो क्योंकि इवन है तो टेन का टेन ही रहेगा तो ये हो जाएगा टेन थर्टी माइनस तो आना ही है क्योंकि टेन है सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री इसकी भी वैल्यू यही होती है ओके मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अगला देखते हैं यहां पर हमारा दे रखा है साइन वन तो साइन वन को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं साइन नाइनटी इंटू टू प्लस जीरो क्योंकि भाई नाइनटी इंटू टू में वन एट्टी होगा जीरो तो ऐड करना पड़ेगा ठीक है जीरो कर दिए तो क्या हो जाएगा क्योंकि इवन है इवन है तो हमारा क्या हो जाएगा साइन जीरो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो ओके okay, तो हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं बाकी हम आगे लेक्चर में करेंगे जिन जिन चीज़ों की जरूरत है मैं उतना ही पढ़ना है जितना हमारा केमिस्ट्री में जरूरत होता है बाकी एक्स्ट्रा में नहीं करना है तो अगर आपको ये लेक्चर सही लगा हो तो बाकी लोगों को प्रेफर करें जिनको इसकी ज़रूरत है थैंक्स फॉर वॉचिंग